PLV सबको लगाना आ गया, तो प्रॉब्लम ये है कि एक ना सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल को मैग्नेटिक फील्ड में राइट की तरफ मूव करवा रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। आपको मोशनल EMF बतानी है P और R के बीच में क्या होगी। अब क्या सिखाया था, अगर आपकी वायर टेढ़ी है तो आप पहले इन्हें डिस्प्लेसमेंट लें, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इसकी, ये इन्हें ज्वाइन कर लो, इन्हें ज्वाइन करके आप अपना न्यूमेरिकल इसके ऊपर लगाओ कि लेंथ मान लो रॉड की कितनी है 2R, और वी नॉट के साथ राइट मूव करवा रहे हैं, तो बोलो मोशनल EMF क्या होगी, जीरो। जीरो क्यों, वेलोसिटी और लेंथ आर इन सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सही है, तो आपका ये आंसर जीरो EMF है, बिल्कुल सही है। कोई डाउट इसमें, मैं होऊंगा आप होंगे सबसे पहले यही सोचेंगे और आंसर निकालेंगे, सही है। लेकिन थोड़ा सा अगर और डिटेल में सोचें, आप मेथड वही फॉलो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ, केस नंबर टू मतलब या मेथड नंबर टू, इसी क्वेश्चन को करने का सोचने का एक और भी तरीका है। हालांकि आपने जो सोचा वो सही सोचा, गलत नहीं है, आप वैसे ही कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज करो ये आपका एक सेमी सर्कल है और ये आपके पास ये वायर है जो सेमी सर्कल की फॉर्म में है। इसके अंदर ये मान लो नाम दे देते हैं, ये सपोज P है, ये सपोज Q है, और ये पूरा अरेंजमेंट राइट जा रहा है विद वी नॉट। मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, बोर्ड के इनसाइड है, यही क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट आया वो कहता है जी मेरे को तो क्लिक कर गया फर्स्ट मेथड पेपर में कि इसको सेमी सर्कल को ये रॉड ले लो 2R, और 2R और V सेम डायरेक्शन में, मेरा आंसर जीरो मार्क कर दिया, सही है। कोई कहता है मेरे को क्लिक ही नहीं किया, तो मैंने कहा तेरे को क्या किया, वो कहता है मैंने सोचा कि इसको ऐसे कर लूँ, दो हिस्सों में बांट लूँ इससे, तो मेरे को तो ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट दिखने शुरू हो गए, मैंने देखा ही नहीं सेमी सर्कल है। मैंने कहा शायद दो हिस्से बांट लेते हैं, तो फिर मैंने कहा कैसे किया, कहता दो हिस्से बांट के देखो मैंने क्या किया। ये पहला हिस्सा है, इसका नाम दे देते हैं P Q और S सपोज, ये पहला हिस्सा है। पहले हिस्से में मुझे सिखाया गया था कि अगर वायर टेढ़ी है या रॉड टेढ़ी है तो आप क्या लें इसकी डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने उठा के डिस्प्लेसमेंट ले ली। तो मैंने अपना क्वेश्चन इस पे किया, मैंने कहा कैसे किया, कहता देखो ये R है, ये रेडियस R है, पाइथागोरस से ये √2R है। हाँ, मैंने कहा ये भी बात सही है, तो तू अपने डिस्प्लेसमेंट को क्या ले रहा है, ये ले रहा है। बोला हाँ जी यही ले रहा हूँ। मैं आगे क्या किया, कहता देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन था वेलोसिटी वेक्टर कहां पर है, राइट की तरफ है, तो मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने राइट की तरफ वेलोसिटी वेक्टर ले लिए। मैं कहा सही है। फिर मैंने कहा क्या किया, वो कहता देखो फिर मैंने ये किया, ये 90 डिग्री था, ये रेडियस R और R था, तो ये एंगल 45 था, तो मुझे पता लग गया ये एंगल भी कितना है, 45 है, सही किया। फिर आपने सिखाया था कि वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक कंपोनेंट मैंने यहां ले लिया जो कि कितना आया, वी नॉट इंटू कॉस ऑफ 45, और एक इसके परपेंडिकुलर लिया वी नॉट इंटू साइन ऑफ 45। हाँ बिल्कुल सही लिया। फिर कहता आपने सिखाया था कि लेंथ के अक्रॉस, मेरी लेंथ तो ये बन गई, लेंथ के अक्रॉस अगर वेलोसिटी है ये EMF है कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, मैंने कहा सिखाया था, तो फिर ये करेगी क्योंकि ये लेंथ के साथ एंगल क्या बना रही है 90। तो मैंने कहा देखो पी एस के अलोंग EMF होगी बी लेंथ की जगह √2R, बी एल और वेलोसिटी कौन सी लेने वाला हूं, वी नॉट इंटू साइन ऑफ 45, क्योंकि वो लेंथ के साथ 90 डिग्री पे है, तो मैंने मोशनल EMF लगा दिया बी एल भी। मैंने कहा उससे क्या हुआ, कहता देखो उससे ये हुआ √2 और साइन 45 कैंसिल हो गए, ये 1/√2 होता है, तो मेरा आंसर ये आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा लेकिन लोग तो एक सेकंड में सॉल्व करके आंसर जीरो, कहता भी आधा क्वेश्चन हुआ है। मैंने कहा बाकी, फिर कहता मैंने आधा और किया, आधा कैसे किया, आधा ऐसे किया कि ये आधे पोर्शन की फिर डिस्प्लेसमेंट ली मैंने, ये देखो क्योंकि ये भी कर्व है, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट ली, ये आर है, ये आर है, तो ये √2R है, वेलोसिटी वेक्टर मैंने ऐसे ही लिया कितना वी नॉट, ये एंगल 45 था तो अल्टरनेट से 45 था, वेलोसिटी के कंपोनेंट आ गए वी नॉट कॉस 45, और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आ गया वी नॉट इंटू साइन ऑफ 45, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंथ के अलोंग है, तो ये तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगी EMF में, लेकिन
एस से लेके क्यू तक करेगी बी एल इंटू वी की जगह वी नॉट इंटू साइन ऑफ 45। ये कट गया और आंसर फिर से क्या आ गया, बी इंटू आर इंटू वी नॉट, सेम आंसर आ गया। मैंने कहा सही है। तो कहता देखो मैं मानता हूं आपके शॉर्टकट ने बताया कि टोटल आंसर जीरो है, पर लेकिन मैं बता दूं कि इसके अक्रॉस आंसर जीरो नहीं होगा ईएमएफ का। तो अगर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए पी और क्यू के बीच में ईएमएफ, तो आपने सही बोला आंसर जीरो मेथड नंबर वन से। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन पूछ लिया पी और एस के बीच में, फिर क्या करोगे, फिर तो यही लगाना पड़ेगा जो मैं लगा रहा हूं और कोई तरीका ही नहीं है। तो वो तुम्हें क्वाड्रेंट में भी पूछ सकता है, तो ये मेथड लगेगा। फिर समझ में आ रहा है यहां तक। फिर उससे पूछा कि तेरा आंसर जीरो कैसे आया, मैंने वो कहता कब, जब पी और क्यू के बीच में। तो उसने कहा देखो मेरा आंसर इसलिए जीरो आया क्योंकि जब मैंने ये डायग्राम ऐसा बनाया, इस तरीके से मेरा डायग्राम बना सच दैट ये आर था, ये आर और आर, तो जब मैंने ये डायग्राम ऐसे लिया था ठीक, और इसमें वेलोसिटी वेक्टर बस मैंने यही कंसिडर किया और इसमें बस मैंने यही कंसिडर किया जिसकी वैल्यू क्या थी वी नॉट इंटू साइन ऑफ 45 और इसकी वैल्यू क्या थी वी नॉट इंटू साइन ऑफ, बाकी डायग्राम हटा दिया मैंने, बस ये काम की चीज रख ली। तो मैंने कहा फिर तूने क्या किया, वो कहता देखो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट क्यू है, सही है। तो जब आप इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछो मुझसे, तो मैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाऊंगा। कैसे, बी बोर्ड के अंदर है यहां पे, थंब ये रहा वेलोसिटी के साथ, तो करंट कैसे जाएगा ऐसे, बी वेलोसिटी करंट ऐसे, तो इसमें करंट ऐसे जाएगा इंड्यूस करंट। पर मैंने कहा ये तो हवा है, ये तो तूने खुद डायग्राम बनाया, वायर तो ये जा रही है, कहते तो कोई बात नहीं फिर करंट ऐसे ले लो, करंट ऐसे जाएगा, सही है। फिर मैंने कहा वो वाला केस, कहता देखो इसमें भी बी बोर्ड के अंदर है और थंब ऐसे है, तो करंट ऐसे जाएगा, बी ऐसे है, थंब ऐसे है, करंट ऐसे जाएगा, पर मैंने कहा हवा है, तो कहते कोई बात नहीं ऐसे ले लो, तो इंड्यूस करंट ऐसे पैदा होगा और दोनों ऑपोजिट होंगे और नेट आपस में क्या कर जाएंगे कैंसल, तो इंड्यूस करंट इसमें पैदा नहीं होगा, आंसर वही आएगा जो आपने शॉर्टकट में बनाया था जीरो। और मुझे भी पता है जब पेपर में आएगा मैं और आप मेथड नंबर वन ही फॉलो करेंगे, बट मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर की टेक्निक क्या चल रही है। फिर मैंने कहा तूने लोगों को यह कैसे बताया कि पी और क्यू के बीच में नेट ईएमएफ जीरो है, तो कहता देखो करंट ऐसे जा रहे, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा कहां से होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां पर भी इंड्यूस करंट इज फ्रॉम नेगेटिव से पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव सेम पोटेंशियल पे है, ये भी नेगेटिव सेम पोटेंशियल पे है, इनको माइनस करके देखो आंसर क्या आ रहा है जीरो, आंसर जीरो आ गया। बात तो वही आ गई मेथड नंबर वन की, तो तुम मेथड नंबर टू थोड़ी ना लगाओगे, तुम तो मेथड नंबर वन ही लगाओगे और वन ही लगाना चाहिए। पर मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं कि ऐसे भी सोचा जा सकता है, इसलिए बता रहा हूं एनसीईआरटी वाले तुम्हें तो नहीं आएगा ये, एनसीईआरटी में अगर आएगा तो सीधा शॉर्टकट में जीरो ही आएगा, लेकिन अगर कॉम्पिटिशन में आया तो उसमें वो क्वाड्रेंट पूछ सकता है। और क्वाड्रेंट से भी इंपॉर्टेंट वो पता है क्या चालाकी करेगा, वो कहेगा क्वेश्चन तो सेम है, इसके आधे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और आधे रीजन में टू बी नॉट है, अब कर लो सेमी सर्कल, हो ही नहीं सकता सेमी सर्कल से क्वेश्चन सॉल्व, तुम शॉर्टकट ही लगा पाओगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो गया, तो क्या करोगे कुछ भी नहीं। तो फिर तुम्हें वो अलग अलग मोशनल ईएमएफ पूछेगा, यहां की अलग होगी यहां की अलग होगी, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, तब की तब देखेंगे जब आएगा, है बुकलेट में किया हुआ, बट कैसे सोचा जा रहा है ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मैंने अपने बुकलेट में ये सब करके दिया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए, एक रोड पे मैंने सब लगा के दिखाया है और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकाल के दिखाई है और बता दिया कि माइनस प्लस का क्या कॉन्सेप्ट लगता है, ये माइनस है ये माइनस है और नेट ईएमएफ इसमें जीरो है। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए आप मेथड नंबर वन ही फॉलो करें चलेगा, जो एक सेकंड में आंसर देता है। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक लगेगा इसमें।